What's up guys, I hope you all are doing well and welcome to my new train journey vlog. आज मैं आपका स्वागत करता हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। जी हाँ दोस्तों, आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12742 स्वराज एक्सप्रेस में, जो वीक में 4 डे रन करती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बांद्रा टर्मिनल के बीच में। और वीक में जो 4 डे रन करती है वो होता है ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। और आज है सैटरडे और अपनी जो ट्रेन की टाइमिंग है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से वो है 9:55 की, और आपको नेक्स्ट डे बांद्रा पहुँचाएगी 4:05 में। जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2068 किलोमीटर का और टाइम लेती है 30 आवर्स का। तो जल्दी जल्दी चेकआउट करते हैं और रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन। टिकट का भी कुछ सीन है वो आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल जल्दी जल्दी चेकआउट करते हैं और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। तो आज का अपना सफरनामा की शुरुआत करते हैं। तो चेकआउट तो अपन ने कर दिया था और हमें सबसे पहले करना था ब्रेकफास्ट। तो हम आ गए विनोद वैष्णो ढाबा और हमने कर दिया था ऑर्डर आलू का पराठा। विनोद वैष्णो ढाबा कटरा मार्केट के पास में ही था बिल्कुल, और हमें बाहर से मिल जाता ऑटो। तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में थे आलू के पराठे, तो हमने तो ले लिए थे भाई गर्मा गर्म, एकदम मज़ेदार लग रहे थे खाने में। और साथ में ले ली थी गर्मा गर्म चाय, 20 रुपए की चाय और 40 रुपए का आलू का पराठा। तो गाइस अपन ने ले लिया खाने के लिए आलू का पराठा विद चाय। कॉम्बिनेशन एक नंबर बन रहा है। एक बात बोलूँ, कॉम्बिनेशन भी तब बनता है जब टेस्ट अच्छा होता है भाई। टेस्ट में तो कोई भाई एंड लेवल है। मैंने ऐसा पराठा खाया नहीं अभी तक, ठीक है, यहाँ पे कटरा में। 40 रुपए का पराठा, 20 रुपए की चाय, कॉम्बिनेशन लाजवाब है। तो जल्दी जल्दी खाते हैं, उसके बाद ऑटो लेते हैं रेलवे स्टेशन के लिए और सफरनामा की शुरुआत करते हैं। तो पराठा अपन ने खा लिया था और हम आ गए थे मार्केट के बाहर जहाँ पे काफी सारे ऑटो थे। तो हमने भी रेलवे स्टेशन तक का ऑटो ले लिया था। जो हमें भाड़ा पड़ा था वो पड़ा था 50 रुपए, मतलब प्राइस रेलवे स्टेशन तक का। तो गाइस अभी फिलहाल हम आ गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्टेशन पे। क्या खूबसूरत सा स्टेशन बना हुआ है और जो अपनी ट्रेन को अभी डिपार्ट होने में 1 घंटा 25 मिनट का टाइम बचा है, देखते हैं तब तक क्या करते हैं। तो अभी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी भी नहीं होगी, लगेगी उसके बाद अपना सफरनामा की स्टार्ट करेंगे। 1 2 4 क्या नंबर था, 1 2 4 7 2 ऐसे कुछ नंबर था भाई, नहीं तो अगर मैं गलत होऊंगा तो स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, ये पहुँच गए हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन पे। चलते हैं भाई अंदर और देखते कौन से प्लेटफॉर्म से जा रही है अपनी ट्रेन। स्टेशन के अंदर घुसने से पहले ही हमारी हुई चेकिंग और हमारे बैग की भी चेकिंग। उसके बाद मैं पहुंच गया टिकट काउंटर पे, क्योंकि हमें लेनी थी जनरल डब्बे की टिकट। वो क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हमारी स्वराज एक्सप्रेस जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो गाइस आज हम रेलवे स्टेशन के अंदर और ये मैंने ले लिया जनरल की टिकट। जनरल की टिकट क्या ली है वो आपको मैं बताता हूँ क्या सीन था भाई टिकट का। मैं सोचा नहीं था मैं इस ट्रेन से जाऊँगा वापसी। तो भाई प्लान कुछ ऐसा था कि मैं जाऊँगा बस जर्नी करते हुए जम्मू एंड कश्मीर रोडवेज की, लेकिन प्लान कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने सोचा भाई ट्रेन पे ही चलते हैं। ट्रेन पे देखा तो भाई कोई सीट सी नहीं होती भाई। कल रात को मैंने 10 बजे टिकट बुक करी है पर वेटिंग में थी, तो कन्फर्म चाहिए थी भाई हमें तो। फिर मैंने सोचा जम्मू से करके देखता हूँ, फिर जम्मू से करी ना तो कन्फर्म मिल रही थी अपन को भाई स्वराज एक्सप्रेस की। तो मैंने फटाक से कर दी टिकट बुक। बस जम्मू तक के लिए अपन ने जनरल की टिकट ली है, बाकी जम्मू से आगे तो अपना रिजर्वेशन वाला डब्बा है। अपन आज ट्रेवल करने वाले स्लीपर कोच में, अपना कोच है S3। S3 में अपनी सीट्स हैं। फिलहाल आगे खूबसूरत से रेलवे स्टेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी अपनी स्वराज एक्सप्रेस। अभी है 45 मिनट्स है ये टिकट जो मुझे पड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जम्मू तवी की, 60 रुपये की पर पैसेंजर सुपरफास्ट की। ठीक है, बस अपनी ट्रेन को देखते हैं कब लगाते हैं प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद अपना सफ़रनामा शुरुआत करते हैं भाई। एक नंबर रूट है, टनल्स में से निकलती हुई जाती है अपनी ट्रेन, मज़ा आने वाला है।
देखो भाई इधर सारी सुपर फास्ट ट्रेन खड़ी है, रेड रेड कलर की सुपर फास्ट ट्रेन खड़ी है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगा रखी है मालवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस डॉक्टर अंबेडकर नगर। ये सारी सुपर फास्ट खड़ी है भाई, देखो ये कटरा ऋषिकेश और उधर वो दिख नहीं रही कौन सी है भाई। चलते भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो गाइस अपनी ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है। ये देखो भाई कटरा से बांद्रा गांधीधाम हापा जमुना नगर अलग अलग रूट पे चलती है अलग अलग नंबर से। और ये है भाई उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसकी ट्रेन जर्नी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड हो चुकी है भाई, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। अब इसको साइड में लगाया जा रहा है कि अभी अभी आई है दिल्ली से, काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी फास्ट ट्रेन है भाई। लेकिन फिलहाल चलते हैं भाई अपने कोच में S3 ये खूबसूरत सा श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन। तो गाइस अभी अपने वाले कोच का गेट खुला नहीं है और मैं आपको कोच कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ। इस ट्रेन में 4 जनरल के डब्बे हैं, 1 फर्स्ट एसी का डब्बा, 2 सेकंड एसी के डब्बे, 6 थर्ड एसी और 6 स्लीपर के डब्बे। फिलहाल ये खड़ी अपनी स्वराज एक्सप्रेस, ये है B6, ये है AC, थर्ड एसी है, AC 3 टायर। फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ थंबनेल निकालने के लिए, चलते हैं। तो गाइस आए तो हम थंबनेल निकालने थे कि यहाँ पे लिखा होगा भाई स्वराज, इस जगह स्वराज लिखा होगा और ये वेब 7 लोकोमोटिव के साथ चलने वाली है अपनी स्वराज एक्सप्रेस। भाई देखो वेब 7 लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज और सामने का व्यू यार मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का भाई, खूबसूरत सा स्टेशन है भाई श्री माता वैष्णो देवी कटरा का। ये वेब 7 लोकोमोटिव के साथ आज अपनी यात्रा होने वाली है। तो गाइस ये अपना कोच S3 और गेट भी अपने खुल गए हैं। चलते भाई अपने कोच के अंदर एक बार फीचर्स देख लेते हैं क्या मिलने वाले अपन को स्वराज एक्सप्रेस में। भाई कदम अपने रख दिया है, चलते हैं भाई। अभी पूरा कोच खाली है, अपनी सीट जो है भाई अंधेरा है, थोड़ा काम चला लेना थोड़ा भाई। और लाइट्स भी देखो भाई जल गई, लाइट्स भी जल गई, सामने से अंकल ने लाइट जला दी भाई। अपनी सीट है 61 मिडिल बर्थ, सामने आपको मिलेगा भाई मिरर, चार्जिंग सॉकेट, इधर आपको बोतल बोतल रखने के लिए मिल जाएगा भाई, खुल जाना यार देखो बोतल रैक, और ऊपर फैन लाइट 3x3 की रो, 3x3 की रो, इधर भी बोतल स्टैंड, सामने 2 की रो, इधर भी आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलने वाला है। अच्छा है भाई कोच S3, अपनी 2 सीट है इसमें, 68 और 61। हाय हाय भाई हवा आ रही है ठंडी ठंडी, बाहर ऐसा वेदर हो गया ना भाई कि भाई आप सोच भी नहीं सकते इतना डेंजर वाला वेदर हो गया है कटरा का। एक बार मैं आपको दिखाऊं, अगर गेट खुला तो दिखा देंगे भाई, यहाँ से खोल लेते हैं एक बार और आपको एक बार वेदर दिखा देते हैं बाहर का। भाई ये देखो वेदर, देखो ऐसा हो गया कि अभी बस अभी बारिश बरस जाएगी और धमड़ धमड़ बिजली कड़केगी, इतना डेंजर वाला वेदर हो रहा है भाई। यहाँ का तो वेदर ऐसा ही रहता है वैसे, ऊपर देखो भाई वेदर एकदम डेंजर वाला वेदर, ब्लैक ब्लैक क्लाउड की खड़ी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस S4। भाई इस ट्रेन में हम आए थे और स्वराज एक्सप्रेस में जा रहे हैं, बस वेट करते 9:55 का और डिपार्चर दिखाते आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन से और नज़ारे दिखाते बेहतरीन बेहतरीन से जर्नी के। तो गाइस अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है जम्मू मेल जो कि दिल्ली से ही आ रही है। भाई देखो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है भाई, जम्मू मेल के जनरल डब्बे का बुरा हाल था आगे आगे, और इधर अपनी ट्रेन खड़ी है। और भाई वेदर ना ऐसा हो गया कि भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया, अभी 9 बजे और अंधेरा भाई ऐसे हो गया, इतना डेंजर वाला वेदर और ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई, मतलब बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अंधेरा देखो कैसे हो गया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल। तो गाइस ऑन टाइम अपनी ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी है और भाई वेदर तो एकदम डेंजर वाला हो रहा है, एकदम झमाझम बारिश आई है अभी कटरा में। फिलहाल अब डिपार्ट हो चुके हैं दिल्ली की ओर, दिल्ली होते हुए जाएगी बांद्रा, कल पहुंचेगी बांद्रा 4:05 में। फिलहाल प्लेटफॉर्म पर खड़ी है जम्मू मेल, ये भी दिल्ली से ही आई है। तो भाई डिपार्ट होने के लिए तैयार श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, बाय बाय, जल्दी आएंगे वापसी, माता रानी बुलाएगी। तो भाई डिपार्ट हो चुके हैं कटरा से, बारिश तो आ रही है, एकदम ठंडा वाला वेदर हो गया भाई, नेट तो चल ही नहीं रहा, जब तक पठानकोट नहीं पहुंचेंगे तब तक इंटरनेट भी नहीं चलेगा भाई, इंटरनेट के बिना तो भाई आधी और अधूरी जिंदगी है, पठानकोट आएगा उसके बाद ही नेट चलेगा। फिलहाल बाय बाय बोलती है, निकल पड़ी भाई अपनी, अब तो नज़ारे नज़ारे जम्मू तक।
तो गाइस कटरा से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपन पहुंच चुके हैं उधमपुर। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आई है भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आई है और 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। 20 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन भाई। जम्मू के बाद तो अपनी सीट कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल जनरल की टिकट लेके जम्मू तक जा रहे हैं। जम्मू से तो अपनी टिकट है ही कंफर्म भाई। इधर देखो लोकल ट्रेन भी खड़ी है। ये नहीं पता कौन से रूट पे चलती है भाई। पूरा आऊँगा भाई पूरा श्रीनगर और वो चलती है ना कौन सी पनिहाल। सारी जगह घूम के आएंगे भाई। सारी जगह की बस जर्नी ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा मैं आपको भाई। सिग्नल हो गया अपना। चलते अपने कोच के अंदर भाई। तो भाई सिग्नल तो हो गया भाई। सिटी बज गई थी। सुनी थी सिटी बज गई थी भाई। ये उधमपुर का काफ़ी अच्छा स्टेशन है भाई। बारिश कंटिन्यूसली चल रही है। फिलहाल बस डिपार्ट होते हैं भाई उधमपुर से। अगला स्टेशन जम्मू है। फिर अपन को अपनी सीट मिल जाएगी। फिर कोई टेंशन नहीं होगी भाई। अपनी सीट पे आराम से बैठ के जाएंगे। बाय बाय उधमपुर। बाय बाय भाई। क्या व्यू है यार उधमपुर से भी देखो भाई। सुहानी ट्रेन जर्नी हो रही है जम्मू तक। तो भाई अपना S3 कोच आगे वाला S2। बारिश का तो यहाँ पे भाई वेदर रहता ही है। पर विंटर में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती होगी भाई। अपना कोच देखो कितने पीछे हो रहे। इंजन देखो कहाँ चल रहा है भाई। इतनी आगे तक इंजन चल रहा है दिख रहा है। बाय बाय भाई। देखो यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस पोस्ट भी लगा रखी भाई। हर कोच के आगे एक पुलिस वाले अंकल खड़े रहते हैं सेफ्टी के लिए भाई। उधमपुर को बोला हमने बाय बाय। सुन उधमपुर। अब हाई स्पीड शॉट्स लीजिए आप थोड़े। J80 और यहाँ पे वैसे 10 मिनट का होल्ड था और 15 मिनट डिले आ रही है अपनी ट्रेन। तो आई डोंट नो कितने मिनट तक रुकेगी। बाकी देखते हैं अभी जम्मू तक तो भाई सफ़र सही रहा। अब अपनी सीट कंफर्म है। आगे तक कंफर्ट होकर जाएंगे भाई। नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप तो सोने भी कल भी अपने पूरे दिन यात्रा करी थी। परसों भी ट्रेवलिंग करी थी। आज भी ट्रेवलिंग करें तो सोचा मैं काफ़ी ज़्यादा हुआ ही हूँ। फिलहाल देखो भाई जम्मू के स्टेशन पर खड़ी है अपनी स्वराज एक्सप्रेस। वो सामने खड़ी है वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुर एक्सप्रेस। स्लीपर क्लास वाले कोचेज हैं इधर। ये भी स्लीपर क्लास वाले कोचेज हैं भाई। इधर फ्रूट्स की दुकान है जम्मू तवी के स्टेशन पे। पर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो भाई। सफर तो अपना आरामदायक है। अब आराम से कर जाएगा। सो जाओ तो भाई देखते कौन सी ट्रेन नींद खुलेगी या कब तक जगह जगह तक जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। बाकी भाई काफ़ी लंबी ट्रेन है। इतनी आगे जाके तो इसका बैक 7 लोकोमोटिव है और पीछे लास्ट में जनरेटर कार है। पेंट्री कार की ट्रेन है तो भाई पेंट्री वाले बार बार आ रहे हैं। समोसा वेज थाली कटलेट ऑमलेट तो मिलता नहीं है रूट पे। जो भी वेस्टर्न दिल्ली से आ रही है ना वहाँ मिल रहा था भाई। ठीक है चलते भाई डिपार्चर दिखा दे कितनी देर तक निकलती है जम्मू तक से अपनी ट्रेन। तो गाइस हो चुके हम जम्मू तवी से भी डिपार्ट। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रश उतरा था। मतलब ट्रेन लगभग थोड़ी थोड़ी खाली सी हो गई है।
सामने खड़ी है वाराणसी जम्मू तवी, और ये क्या भाई जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन। देखो भाई कश्मीरी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है जम्मू तवी। तो गाइस अब हम पहुंच गए आज अपना सिक्स हॉल्ट जलंधर कैंट जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है JRC और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट था वैसे तो, वो ट्रेन आई है 20 मिनट पहले, अब आधा घंटा यहीं खड़ी रहेगी। भाई रास्ते में मेरे साथ बताऊँ क्या हुआ, पहले आप ये क्लिप देखो उसके बाद बाकी की बातें करता हूँ। तो गाइस आपने देखा उसने कैसे झाड़ी से फोन छीनने की कोशिश करी थी, भाई ठोकर खाती अकल आती है भाई। चैनल पे लो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, देखा कैसे भाई कैमरा ले जाते हैं आज वो मेरा, पर कोई नहीं भाई। और जलंधर सिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे होते हैं स्पोर्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग। फिलहाल कुछ खाने के लिए देख लेते हैं भाई, प्यास लग रही है काफ़ी ज़्यादा, कुछ जूस वूस या कोल्ड ड्रिंक मिलती है तो ले लेते भाई। इधर अपनी खड़ी है जलंधर कैंट के जंक्शन पे स्वराज एक्सप्रेस, अगला स्टेशन आएगा लुधियाना। दो पल पे ऑरेंज दे दो, दो बिहार से और ये कितने हो गए, ठीक है कौन सा तो गाइस अपन ने तो ले लिए दो पल्पी ऑरेंज भाई, प्यास ज़्यादा लग रही है तो यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है ना, जहाँ सुबह चले थे भाई इतना रेनी वेदर और इतनी ठंड सी लग रही थी और यहाँ इतनी ऐसी गर्मी हो रही है भाई, ह्यूमिडिटी पूछो ही मत, ना बुरा हाल है ना हवा चल रही है ना कुछ। फिलहाल अभी तो अपनी ट्रेन खड़ी है 15 मिनट और इतने अपन पियेंगे पल्पी ऑरेंज मिनट मिनट का काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो, 20 रुपये का एक, 40 रुपये के दो। फिलहाल खड़ी है अपनी ट्रेन, अंदर चलते हैं भाई क्योंकि बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस जलंधर गेट से भी हो गया अपन डिपार्ट, उधर देखो भाई ट्रैक पे काम चल रहा है जोरों शोरों से, एकदम से स्पीड पकड़ लेते यार अपने स्वराज एक्सप्रेस सुट्टम साठ, राइट टाइम चल रही है फुल टॉप, थोड़ी देर पहले पहुंच जाती है जगह। फिलहाल टुवार्ड्स लुधियाना, जब अपनी ट्रेन पहुंच गई लुधियाना जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है LDS और यहाँ पे इस ट्रेन का 18 मिनट का होल्ड है। लुधियाना इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे होजरी की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे ट्रेन ऑन टाइम ही आई है, वैसे एक दो मिनट जल्दी आ गई है मतलब 20 मिनट तक अभी यहाँ आएगी, बहुत सारी सवारियाँ होती है। देखो कितना सारा रश, आधे ज़्यादा चला गया, मैं थोड़ा लेट
कवर करता हूँ अपनी वीडियो खड़ी है भाई। अगला स्टेशन आएगा अम्बाला, जैसे मैं स्किप करने वाला हूँ अम्बाला स्टेशन को, तो मैंने बहुत बार ही दिखा दिया, मतलब हर ट्रेन जर्नी में कभी कभी अम्बाला ही जाता है, इसलिए मिस करेंगे पर स्किप करेंगे। और मैं सोऊंगा भाई, ये जा रही है काफ़ी ज़्यादा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। अनाउंसमेंट हो रही है स्वराज एक्सप्रेस की, देखते हैं भाई नई डिपार्चर दिखाते हैं लुधियाना के रेलवे स्टेशन से। ये भी कहने वाला एक मिनट ही बचा, जल्दी दे दो। तो गाइस ट्रेन को चलने में एक मिनट ही है, अपने लास्ट में प्लान बन गया कि भाई खा ही लेते हैं कुछ। तो अपन ने बीकानेर को चिप्स ले लिए चटक मसाला, जो हमने जाते वक्त खाया था उत्तर संपर्क क्रांति में, हमने कहाँ से लिया था भाई, हमने अम्बाला से लिया था, मैं भी इतना ले लिया, चलते हैं कुछ दुकान से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं आज का अपना 10th हॉल्ट पानीपत जंक्शन, स्टेशन का कोड है PNP और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है, जहाँ से अपने सफ़र शुरू करा था श्रीवास्ता वैष्णो देवी कटरा का उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में और स्वराज एक्सप्रेस के साथ वहीं समाप्त हो रहा है। तो गाइस कैसी लगी आपको जर्नी बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट बस जर्नी या ट्रेन जर्नी में, तो कम ऑन गाइस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें भी मत जाना। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट जर्नी में बढ़िया सी जर्नी के साथ, टिल देन बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग जर्नी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय बाय।